myself, Dr. Linda Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College, Bara, Rajasthan. पिछले वीडियो में बच्चों हम वायरस के जनक वेक्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे. मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था वायरस का, इसके बाद इसकी डेफिनेशन दी थी. डेफिनेशन में डिफाइंड एज ए सब माइक्रोस्कोपिक एंटायरली कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाई ए प्रोटीन कोड एंड केपेबल ऑफ रिप्लिकेशन ओनली विद इन द लिविंग सेल ऑफ बैक्टीरिया एनिमल एंड प्लांट्स. इसके बाद हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में चर्चा की थी बच्चों. अब इसके बाद हम इसके जनरल करैक्टरिस्टिक पे आए थे बच्चों. अब हम इसके करैक्टरिस्टिक पे थे. न्यूक्लिक एसिड कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए बट नॉट बोथ. ये परपोषी केशिका के बाहर क्रिस्टल के रूप में होते हैं एवं निष्क्रिय रहते हैं, परंतु संक्रमण के समय जब ये अपना न्यूक्लिक अम्ल परपोषी कोशिका में इंजेक्ट करते हैं तो ये न्यूक्लिक एसिड क्रियाशील होकर परपोषी कोशिका की उपापचय प्रणाली पर नियंत्रण कर लेता है तथा वायरस न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन का संश्लेषण कर वृद्धि करता है और वायरस कणों का निर्माण करता है. ये वायरस परपोषी कोशिका भित्ति के टूटने पर स्वतंत्र हो जाते हैं एवं दूसरी परपोषी कोशिका पर आक्रमण करते हैं. न्यूक्लिक एसिड कैन बी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए. न्यूक्लिक एसिड कैन बी डबल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंड आरएनए. न्यूक्लिक एसिड का या तो डबल स्ट्रैंड डीएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए हो सकता है या डबल स्ट्रैंड आरएनए हो सकता है. मॉलिक्यूल्स ऑन वायरस सरफेस इम्पार्ट हाई स्पेसिफिसिटी फॉर अटैचमेंट टू होस्ट सेल मल्टीप्लाई बाई टेकिंग कंट्रोल ऑफ होस्ट सेल्स जेनेटिक मटेरियल एंड रेगुलेटिंग द सिंथेसिस एंड असेंबली ऑफ न्यू वायरसेस. लैक एंजाइम फॉर मोस्ट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, लैक मशीनरी फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स. मोस्ट आरएनए वायरसेस मल्टीप्लाई इन एंड आर रिलीज फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. वायरस इन्फेक्शन रेंज फ्रॉम वेरी माइल्ड टू लाइफ थ्रेशिंग. वायरस इन्फेक्शन ये तो बहुत कम हो सकता है, यह हमारी लाइफ थ्रेशिंग भी हो सकता है. वायरस कुछ पादप व जंतु वायरसों की होस्ट रेंज सीमित होती है, परंतु इसके विपरीत अनेक वायरसों की होस्ट रेंज एक परपोषी श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं. इसमें प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया पाई जाती है, रिप्लिकेशन का गुण पाया जाता है. वायरस अत्यंत संक्रामक होते हैं, इन्फेक्शस होते हैं. कुछ वायरस तेजी से रोग का प्रसार करते हैं, ये विशेष प्रकार की रोगजनकता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये निश्चित तापक्रम पर परपोषी कोशिका में सक्रिय होकर रोग उत्पन्न करते हैं. अधिकांश वायरस 56 डिग्री से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यदि 30 मिनट तक रखे जाएं तो ये निष्क्रिय हो जाते हैं. वायरस परपोषी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, होस्ट स्पेसिफिसिटी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति के होस्ट जीवधारी को संक्रमित करते हैं. क्योंकि इनमें एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है, अतः ये अगुणित होते हैं. वायरस प्रतिजनिक एंटीजेनिक गुण दर्शाते हैं. प्रतिजैविकों को एंटीबायोटिक्स का वायरस पर कोई प्रभाव नहीं होता है. वायरस 5 से 9 पीएच मान के बीच ही जीवन क्षमता प्रदर्शित करते हैं. ये ग्लिसरॉल के 50% विलयन में लंबे समय तक सक्रिय रह सकते हैं. वायरस के निष्कर्षण उच्च दाब एवं उच्च ध्वनि आवृत्ति द्वारा निष्क्रिय हो जाते हैं. ये अनेक पदार्थों जैसे इथाइल एल्कोहल एवं एसीटोन में
अवक्षेपित हो जाते हैं तथा इसके पश्चात इनको फिर से जल में घोला जा सकता है। अल्ट्रावायलेट रेस, पाइरीडीन, यूरिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड के उपचार द्वारा अधिकांश वायरसों को निष्क्रिय किया जा सकता है। ये ताप, विकिरण एवं रासायनिक पदार्थों के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अन्य जीवों की भांति इसमें वसा, पॉलीसेकेराइड्स, एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति, केंद्रक, जीव द्रव्य एवं अन्य कोशिका उपांगों का अभाव होता है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरस की आकृति। प्रोटेक्टिव शेल, कैप्सिड, बाहर का प्रोटेक्टिव शेल क्या होता है, इसके अंदर कैप्सिड होता है, मेड ऑफ मेनी आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट। कैप्सिड जो है बहुत सारी आइडेंटिकल सब यूनिट से मिलकर बना होता है, प्रोटीन कोड होता है। न्यूक्लिक एमिक एसिड जो एक प्रोटीन कोड से ढका होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड कहते हैं। प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल, जो कि जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। मे बी इन्वॉल्व्ड इन सेल एंट्री, सिमेट्री, ऑर्गेनाइज 50% ऑफ वेट, इन्वॉल्व्ड, एनवेलप्ड और नॉन एनवेलप्ड। एनवेलप्ड, ए लिपिड कंटेनिंग मेम्ब्रेन दैट सराउंड सम वायरस पार्टिकल्स लोकेटेड आउटसाइड द कैप्सिड, इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग वायरल मैच्योरेशन। ये आपको एनवेलप दिखाई दे रहा है, कैप्सिड दिख रहा है, इसके अंदर आपको कंपोज्ड ऑफ मेनी कैप्सोमियर्स और अंदर आपको न्यूक्लिक एसिड कोर दिखाई दे रहा है जो कि डीएनए का बना हुआ है। न्यूक्लिक एसिड एक प्रोटीन आवरण से ढका होता है, जिसे कि हम कैप्सिड कहते हैं। ये कैप्सिड अनेक छोटी छोटी उप इकाइयों कैप्सोमियर से बना होता है। केंद्रीय क्रोट एवं कैपेटिका संयुक्त रूप से न्यूक्लियोकैप्सिड कहलाते हैं। स्तनधारियों में पाए जाने वाले अनेक विषाणुओं में कैप्सिड के बाहर लिपिड अथवा लिपोप्रोटीन से बना एक और आवरण पाया जाता है, जिसे कि लिमिटिंग मेम्ब्रेन या एनवेलप कहते हैं। इस प्रकार के विषाणु लिपोवायरस कहलाते हैं। विभिन्न विषाणुओं में कैप्सिड क्यूबोइड, स्फेरिकल या पॉलीहेड्रल होते हैं, घनाभ, गोलाकार अथवा बहुतलीय होते हैं। दूसरा इसका अंदर का पार्ट होता है न्यूक्लिक एसिड। विषाणु तथा कोशिकीय जीवों में एक मुख्य अंतर यह है कि विषाणुओं में डीएनए वे आरएनए में से केवल एक ही न्यूक्लिक अम्ल होता है, जबकि कोशिकीय जीवों में दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। जिन विषाणुओं में डीएनए होता है वो डी ऑक्सी वायरस तथा आरएनए युक्त विषाणुओं को राइबोवायरस कहते हैं या कहलाते हैं। जिन विषाणुओं में डीएनए होता है उन्हें डी ऑक्सी वायरस कहते हैं और आरएनए युक्त वायरस को राइबोवायरस कहते हैं। विभिन्न प्रकार के विषाणु न्यूक्लिक अम्ल संरचना में अत्यंत विविधता प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतः सभी पादप विषाणुओं में एक रज्जु की आरएनए होता है। प्राणी विषाणुओं में एक रज्जु की अथवा द्विरज्जु की सिंगल स्ट्रैंड अथवा डबल स्ट्रैंड आरएनए अथवा डीएनए पाया जाता है। जीवाणु विषाणुओं में सामान्यतः डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है, परंतु कभी कभी इसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए अथवा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। प्रत्येक विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल का केवल एक अणु होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड पेयर की संख्या 1000 से 2.5 लाख तक होती है। परंतु
किसी एक प्रकार के विषाणु में इसकी संख्या निश्चित होती है, अर्थात न्यूक्लियोटाइडों की संख्या विषाणुओं का एक विशिष्ट लक्षण है। विषाणु का एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि उसका प्रोटीन घटक जो होता है वो इसका हानिकारक नहीं होता है। विषाणुओं के संक्रमण तत्व जो इन्फेक्शस एलिमेंट होते हैं वो इसके न्यूक्लिक अम्ल में निहित होते हैं, अतः संक्रमण के लिए परपोषी कोशिका में विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल का प्रवेश अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वायरस स्ट्रक्चर, कैप्सिड प्रोटीन कोट दैट एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस, अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द वायरस मास, कंपोज्ड ऑफ सिंगल और मल्टीपल प्रोटीन्स, ईच सब यूनिट कैप्सोमियर, आपको प्रोटीन का कोट दिख रहा है जो कि बहुत सारे प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बना होता है जिसे कि हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। ये सब मिलकर कैप्सिड का निर्माण करते हैं। सेंट्रल कोर में आपको न्यूक्लिक एसिड आपको नजर आ रहा है बच्चों डायग्राम में। ये इसका डायग्राम है, जनरलाइज स्ट्रक्चर है। इसके वायरल कंपोनेंट कौन कौन से हैं? न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड एंड एनवलप आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में। बाहर एनवलप पूरा नज़र आ रहा है, इसके अंदर कैप्सिड है जो कंपोज्ड ऑफ मेनी कैप्सोमियर से बना हुआ है, और अंदर आपको न्यूक्लिक एसिड कोर डीएनए नज़र आ रहा है। बाहर बहुत सारे स्पाइक्स लगे हुए हैं, ये कोरोना वायरस की तरह आपको नज़र आ रहा है। कोरोना वायरस में चारों तरफ रेड कलर का दिखता है, जैसे आपको दिखता है कोरोना वायरस चारों ओर बहुत सारे स्पाइक्स लगे होते हैं। ये स्ट्रक्चर कैप्सोमियर्स, कैप्सिड, न्यूक्लिक एसिड कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम आइडेंटिकल सब यूनिट कॉल कैप्सोमियर्स, मेड अप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। आइडेंटिकल सब यूनिट कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनता है। टू डिफरेंट टाइप हेलिकल रोड शेप्ड कैप्सोमियर्स असेंबल इन ए हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड। फंक्शन ऑफ वायरस कैप्सिड, फंक्शन ऑफ वायरल कैप्सिड, वायरल कैप्सिड के फंक्शन क्या हैं? प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है, इसकी रक्षा करता है। हेल्प इंट्रोड्यूस द वायरल डीएनए और आरएनए इनटू सब सुटेबल होस्ट से, सुटेबल होस्ट के अंदर डीएनए वे आरएनए को इंट्रोड्यूस करने में, उसको अंदर जाने में मदद करता है। स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट कैन प्रोटेक्ट द होस्ट सेल अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन। ये क्या करता है? ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है जिससे कि ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सकें। साइज ऑफ वायरस, वायरस का आकार, स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, मोस्ट आर सो स्मॉल। स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट है सबसे छोटा विषाणु है जो कि इन्फेक्शन करता है। मोस्ट आर सो स्मॉल दैट कैन ओनली बी सीन विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कुछ बहुत अधिक छोटे होते हैं जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। एनिमल वायरसेस, प्रो वायरसेस अराउंड 20 नैनोमीटर इन डायमीटर, मिनी वायरसेस अप टू 450 नैनोमीटर इन लेंथ, व्यूइंग वायरसेस स्पेशल स्टेन एंड एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नेगेटिव स्टेनिंग आउटलाइन द शेप, पॉजिटिव स्टेनिंग शो इंटरनल डिटेल, शेडो कास्टिंग टेक्निक्स। ये हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। वायरियन रेंज, साइज रेंजेज इज 10 टू 40 नैनोमीटर। वायरियन का साइज 10 से 40 नैनोमीटर के बीच में होता है। ऑल वायरियंस कंटेन ए न्यूक्लियोकैप्सिड विच इज कंपोज ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड ए प्रोटीन। जितने भी वायरियंस हैं ये न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लियो प्रोटीन को, न्यूक्लियोकैप्सिड को कंटेन करते हैं जिसमें कि डीएनए आरएनए होता है और इसके चारों तरफ प्रोटीन का कोट होता है। सम वायरसेस कंसिस्ट ओनली
ऑफ ए न्यूक्लियोकैप्सिड अदर हैव एडिशनल कंपोनेंट. कुछ वायरस में न्यूक्लियोकैप्सिड होता है जबकि कुछ में दूसरे कुछ एडिशनल भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं. वायरस का अध्ययन साधारण संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं किया जा सकता परंतु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा उसका कई सौ गुना मैग्निफिकेशन करने पर उसका आकार तथा आमाप में अत्यंत विविधता पाई जाती है. सूक्ष्मतम विषाणु का आमाप 10 मिलीमाइक्रो 10 नैनोमीटर से होता है जबकि सबसे बड़े विषाणु का आकार 400 नैनोमीटर तक होता है. सामान्यतः पादप विषाणु जंतु विषाणुओं से आकार में छोटे होते हैं. कुछ सामान्य विषाणुओं का आकार जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी हमें बहुत मुश्किल से दिखाई देता है. अब हम इसका शेप के बारे में बात करते हैं. विषाणुओं का आकार हेलिकल रोड, कुंडलित दंडिका, घनाभ, क्यूबॉइड, जटिल कॉम्प्लेक्स जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस होता है. रोड शेप्ड वायरस कौन से होते हैं? कुंडलित दंडिका, हेलिकल रोड शेप्ड कौन से होते हैं? न्यूकेस्टल वायरस, मम्स वायरस, टोबिको मोज़ेक वायरस. घनाभ वायरस जो क्यूबॉइड होते हैं वो होते हैं हर्पीस वायरस, टर्निप येलो मोज़ेक वायरस, पोलीमा वायरस, 5x174 वायरस. कॉम्प्लेक्स वायरस में इन्फ्लुएंजा वायरस आते हैं. जीवाणुविक वायरस जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनका आकार जो है टेटपोल के समान होता है. कुछ जीवाणु भोजियों में कॉन्ट्रेक्टाइल पूंछ होती है जबकि अन्य में ये असंकुचनशील होती है. कुछ जीवाणु भोजी थ्रेड लाइक भी होते हैं, सूत्रवत भी होते हैं. लेकिन विषाणुओं में निर्जीव पदार्थों के गुण भी पाए जाते हैं. इन एनिमेट प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस, इसके निर्जीव गुण क्या हैं? वायरस के विषाणुओं का क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है. ये अपनी विशिष्ट स्पेसिफिक होस्ट कोशिका के बाहर अक्रिय रहता है, इनर्ट रहता है. ये सर्वोत्प्रेरक ऑटोकैटलिक होते हैं तथा इनमें प्रकार्यक स्वायत्तता फंक्शनल ऑटोनॉमी का अभाव होता है. इनमें कोशिका कला तथा भित्ति नहीं पाई जाती है. इसमें सेल मेम्ब्रेन और वॉल नहीं पाई जाती है. इनमें श्वसन नहीं होता है. अब इसमें लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस, लिविंग प्रॉपर्टीज के गुण क्या हैं इसके अंदर? इसमें आनुवंशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति होती है, रिप्लिकेशन इसमें होता है. विषाणुओं के उत्परिवर्ती रूप म्यूटेंट फॉर्म पाए जाते हैं. म्यूटेशन एक प्रमुख जैविक लक्षण है. विषाणुओं के उत्परिवर्ती रूप म्यूटेंट फॉर्म पाए जाते हैं. म्यूटेशन एक प्रमुख जैविक लक्षण है. यह ताप, रासायनिक पदार्थों, विकिरणों आदि उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं. विषाणुओं में प्रतिजनी गुण एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है. इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है. इसका प्रवर्धन केवल जीवित कोशिकाओं में ही होता है. इसका मल्टीप्लिकेशन सिर्फ लिविंग सेल्स में ही होता है. विषाणु परपोषी विशिष्टता दर्शाते हैं, होस्ट स्पेसिफिसिटी दर्शाते हैं. इस तरह विषाणुओं में जैविक गुण तथा अजैविक गुण, विषाणुओं में निर्जीव पदार्थों के गुण भी पाए जाते हैं. अब आते हैं कि पादप व जंतु विषाणुओं में क्या अंतर होता है. सभी प्रकार के पादप विषाणुओं में आवरण का अभाव होता है जबकि जंतु विषाणुओं में ये आवरण उपस्थित होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्स वायरस. सभी पादप विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है
जबकि जंतु वशाणुओं में ये आरएनए अथवा डीएनए दोनों तरह का हो सकता है। अब हम वायरस के क्लासिफिकेशन बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेसन थर्ड नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच बच्चों।